बड़ी खबर ललितपुर शहर के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तालाबपुरा इलाके के डौड़ा घाट से आ रही है, जहां विद्युत हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला छत से नीचे गिर गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे डॉक्टर ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें कि इस इलाके में विद्युत हाईटेंशन की लाइन भगत कई वर्षों से मकान की छतों के ऊपर से निकली है, जिससे यहाँ आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, इसके बाद भी विद्युत विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जिसका खामियाजा यहाँ की बोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। अब तक इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ छतों से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन को लेकर उसे हटाने के लिए कई बार मोहल्लेवासियों ने शिकायत की, लेकिन विद्युत विभाग इस पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देता और किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। फिलहाल इस घटना को लेकर मोहल्लेवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की खास रिपोर्ट।